टॉप 19 स्कूल्स में से है जिसने अपना नाम मेंशन किया है एमपी के टॉप 10 स्कूल्स में से। रियली वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ द रॉयल फैमिली दैट दे हैव अचीव्ड सच ए बिगेस्ट अचीवमेंट। आई कैन नॉट एक्सट्रैक्ट दिस मच हैप्पीनेस फ्रॉम एनीवन एल्स। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आवर स्कूल दैट इज रॉयल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल चुरहट हैज बीन नेम्ड इन एमपी टॉप 10 स्कूल्स। Royal Public Higher Secondary School has got 7th rank among the top 10 schools of the MP. तो 3 बस ऑलरेडी होने के बावजूद भी हमें तो केवल एक ही बस में बैठना है। और ये रही हमारी स्कूल की वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट टीचर नीलम मैम, जो कि स्कूल की बस में ही बैठकर गाना बजाना कर रही है। और इधर भी हमारी क्लास की लड़कियां गाना गा रही हैं। और ये रही हमारी क्लास की लड़कियां जिनके पास फोन तो नहीं है बट फोन का कवर जरूर है। अच्छा तो डायरेक्टर से दूसरी बस में बैठने के लिए बोल रहे थे पर इन्हें तो फोटो लेना था साथ में, इसलिए एक ही बस में सारी बैठ गई। तो अब हम पहुंच जाते हैं बच्चे आश्रम के बाहर। तो इतने सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पिकनिक पे आए हैं जो कि हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर ने डिसाइड किए थे कि जो बच्चे हर एक्टिविटी पे अच्छी रैंक लाएंगे और पढ़ाई पे अच्छी रैंक लाएंगे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पिकनिक पे ले जाया जाएगा। और ये हमारे डायरेक्टर सर की कार है जो कि अपनी फैमिली के साथ भी आए हैं। तो चलते हैं अब अपने स्कूल के ऑलराउंडर टीचर से मिलने। तो सर हमें बताइए कि हम कहाँ पे आए हुए हैं। बर्चर आश्रम ये मधौली से थोड़ी दूर में। सर आपको रॉयल स्कूल कैसी लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। वाकई में बहुत अच्छी लगती है, वहाँ का एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा है और हमेशा जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कुछ डिसाइड करता है, कोई भी प्लान करता है, वो बहुत अच्छा रहता है। उसमें से एक प्लान ये भी था कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो टूर करवाने का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस सर, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे स्कूल के ऑलराउंडर टीचर एज वेल एज हमारे स्कूल के स्पोर्ट टीचर जो कि हमारे स्कूल के लिए अच्छे अच्छे एक्टिविटी सोचते रहते हैं। और यहाँ पे हमारे स्कूल के टीचर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। और ये रहा मेरा गोलू मोलू सा भाई जो कि मेरे जबरदस्ती करने पर भी ना एक फोटो ले रहा था ना एक वीडियो ले रहा था। देखिए फिर से चला जा रहा है। कोई बात नहीं भाई, मत लेना। तो अब मिलते हैं हम रॉयल स्टूडेंट से। हेलो, ये कैप पहन कौन है भाई? अंजलि मैम, दो भाई। हाँ हो ना। हाय। वो इधर ये पढ़ते हुए चलने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। यहाँ का जो नेचर था उसे कैमरे में कैप्चर करना तो पॉसिबल नहीं था, उसे केवल हम अपनी आंखों से ही देखकर फील कर सकते हैं। जस्ट फील द नेचर। निकल गई मुंह है भाई, निकल तो जाए। लाइक सब्सक्राइब।
हाँ तो आपको डिस्क्राइब नहीं सब्सक्राइब करना है। ओके व्हाटएवर, अभी तो मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो मैं पानी पी लेती हूँ। बी हाइड्रेटेड। ओ मेरा भाई, तो जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि इसके एंडिंग में हमें फोटोशूट भी करवाना है। और ये हमारी स्कूल के सबसे सीनियर टीचर यानी कि राजेंद्र सर, जो कि हिंदी बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। रॉयल पब्लिक स्कूल के तो सारे ही टीचर बहुत ही हेल्पफुल हैं, सबकी हेल्प करते हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमारे टीचर बहुत ही अच्छे समझाते हैं। मैं फेंकूंगी यहाँ से वाटर पे पत्थर, पर यहाँ इतना पॉसिबल नहीं है इस पत्थर को पानी तक पहुँचाना। तो ठीक है, अब हम पहुँच चुके हैं एंडिंग पे, जहाँ पे हम फोटो शूट करेंगे अपने पूरे रॉयल फैमिली का। तो ये हमारे दीपक सर ऑलरेडी फोटो शूट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो फोटोशूट के बाद हम लौटने लगते हैं। और ये रहे मेरे क्लास टीचर यानी कि अजीत सर, जो कि फिजिक्स और मैथ बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो गाइस देखिए, अजीत सर अभी शॉर्टकट अपना रहे हैं। हमारा भी मन करने लगा है यहाँ पे जाने का, और वो जो बीच पे घर बना हुआ है, हाउस बना हुआ है, वहाँ पे फोटोज लेने का। तो अब हम वहीं पे जाएंगे बोटिंग करने। पर उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जो रेड कलर का पहने हुए हैं वो है मिस्टर सेल यानी कि विनय सर, जो कि हमारे स्कूल में बायो पढ़ाते हैं, बायो टीचर हैं। ये भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सर और दीपक सर हमारे भोजन लेने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। पर यहाँ पे तो हमारी कूलेस्ट मैम यानी कि नीलम मैम बहुत ही ज्यादा थक चुकी हैं, उनकी कमर भी शायद बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। पर वीडियो बनाने के लिए हमारी डांसर मैम कूलेस्ट मैम कभी पीछे नहीं हटती, तो ये कैट वॉक करके आया है। और आंटी जी क्या कर रही है, फोटोज ले रही है। एंड हियर आर अनदर प्रीटेस्ट मैम। क्या मतलब, यहाँ की सारी मैम, मेरी स्कूल की सारी मैम प्रीटेस्ट ही है क्या? हाँ अब होना भी चाहिए, अब फैमिली का नाम भी कैसा है, रॉयल फैमिली, तो रॉयल फैमिली की मैम भी तो रॉयल लिखनी चाहिए ना। तो अब मिला देती हूँ मैं अपनी क्लास की लड़कियों से। ये देखिए दोनों का गेटअप तो देखिए, अरे बहन फोटोज बात पे, पहले मुझे अंकल जी से मिलने दो, मुझे बात करनी है क्या बन रहा है खाने पे, क्योंकि भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं। अच्छा बहुत टेस्टी खाना बनता है, खाने पे क्या क्या बनेगा? बस बेटा खिचड़ी है, अच्छा पुलाव बन रहा है, अच्छा और छोले की सब्जी बन रही है, पूड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है, और वो राइटर
खीर है। अच्छा, और यहाँ टेस्टी खाना बनता है, यहाँ पे अभी बनाएंगे और ये भी बसाने। और यहाँ पे हमारी मैम भी खाना खाना स्टार्ट कर दी हैं, तो हम तो सबसे मिल लिए, अब अपने स्कूल के डायरेक्टर सर से बात करने चलते हैं। क्या जानना चाहोगे आप बताओ? के सर, आप तो स्टूडेंट हो, आप तो जानते हो बहुत कुछ जानते हैं सर, पर हमारे यूट्यूब के फैमिली को बताइए। जरूर, निश्चित रूप से रॉयल पब्लिक स्कूल चुराट में नंबर वन एक स्कूल है, उन स्कूलों में से है जो हम एजुकेशन और एजुकेशनिस्ट दोनों को प्रमोट करते हैं। अच्छा सर, आज हम घूमने कहाँ पे आए हुए हैं? आज हम आए हैं बेटा बर्चर आश्रम। यस, है ना, और यहाँ पर हमारे टॉपर्स को लाया गया है। अच्छा। जिन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम में टॉप किया था। और सर, आपने यहाँ पे खाने का भी अरेंज कराया हुआ है? अरे बेटा, तो क्या आपको भूखे घर लेके जाए? हाँ सर, मैं पता है हमारे पेरेंट्स और गुरु में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल फर्क होना भी नहीं चाहिए। मैं बताऊं कि एक फर्क होता है, घर में आप पढ़ाई कम करते हैं, स्कूल में फुल टाइम पढ़ाई करते हैं। यस सर, 6 घंटे। हाँ, ये हमारे स्कूल के डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छे टीचर है हमारी स्कूल डायरेक्टर सर, वो जिनी डायरेक्टर सर। थैंक यू बेटा। और ये हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर की लड़की है जो के बी सिटी बजा रहे हैं। बजाओ भाई। कौन है तू? मैं इस दुनिया का राजा हूँ। इस दुनिया का राजा है वो। अपने मुंह से बता पाना, बहुत ही इम्पॉसिबल है ना। और मेरे भाई को यहाँ भी खेलने से फुर्सत नहीं मिल रही है। हाँ हाँ, बस तेरी कमी थी, अब तू भी खेल ले। तो यहाँ पे कर रही हूँ अब मैं अपनी फ्रेंड्स को डिस्क्राइब। ये है श्रीजा पटेल, और ये है इप्सिता गुप्ता, और ये हमारी मानसी सूर्यवंशी। ये हमारी फ्रेंड। अब हम जाएंगे वोटिंग करने। तो एक बोर्ड में बैठ जाती हूँ मैं, नीलम मैम, डॉक्टर स्वास्तिका, अर्णव, दीपक सर और स्वाति। हेलो, और ये है अर्णव। तो चलते हैं उस हाउस में घूमने। दीपक सर ने बता दिया नीलम मैम को, यहाँ पे सांप भी आते हैं, तो अब नीलम मैम बहुत ही डर रही हैं और हम सभी मजा ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे बिगड़ जाता है बैलेंस, तो डॉक्टर स्वास्तिका बैठ जाती है बीच में हमारा बैलेंस संभालने के लिए। तो अब बैलेंस कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर स्वास्तिका को इधर उधर बैठाया जा रहा है। क्योंकि हम पहुंच चुके हैं इस हाउस पे। Oh,
दूसरे को टच किए तो करंट भी जनरेट होता था। और ये है हमारे स्पोर्ट टीचर। बहुत सारी मस्ती करने के बाद और वीडियोस बनाने के बाद हम लौटने लगते हैं और लौटते वक्त राधा मैम हमारी बोट पे आ जाती हैं और नीलम मैम दूसरी बोट पे चली जाती हैं। यहाँ पे सभी अपनी अपनी बोट पे बैठ चुके हैं और हम जाएंगे खाना खाने क्योंकि हमारे लिए अब खाना बन चुका होगा। जाते हैं बोट से। हमें बहुत ही ज्यादा बोटिंग करके बहुत ज्यादा मजा आया। तो यहाँ पे सभी लोग भोजन ले रहे हैं और इधर बहुत सारे बंदर भी आ गए थे खाने को देखकर। हमारे डायरेक्टर सर ने हमारे लिए मिठाई भी अरेंज की हुई थी तो इसीलिए हम एक लाइन में खड़े होकर लेंगे मिठाई और खाएंगे खूब सारी। और यहाँ पे इन लोग तो नॉन स्टॉप मिठाई बस खाए ही जा रही हैं, पर मैं भी पीछे नहीं हटी। अब चलते हैं सर से पूछने कि सर आपने कितनी मिठाई खाई। तो सर बोल रहे हैं कि सर ने खाई है 5 मिठाई और यहाँ पे खाना खाने के बाद मिठाइयाँ खाने के बाद बहुत सारा हो चुका है कचरा। तो अब यहाँ की सफाई करेंगे हमारे स्कूल के टीचर, डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल, सारे टीचर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी वजह से कहीं भी कचरा हो। तो अब साफ सफाई करने के बाद हम चले जाते हैं बच्चर आश्रम के अंदर। इस आश्रम में इतनी ज्यादा शांति थी, यहाँ इतना पीसफुल मोमेंट था।
और इस आश्रम में तो काफी ज्यादा अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हुए थे। I like it too much. और इस आश्रम के अंदर एक थी मंदिर जहाँ पे सभी लोग भगवान जी के आशीर्वाद लेने जा रहे थे। ओम नमः शिवाय। तो ये थी हमारी रॉयल फैमिली, और अगर आपको हमारी रॉयल फैमिली अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।